छोटा भाई चलो बाय चलो कृष्ण बाय चलो ऑल द बेस्ट बाय बाय दीक्षा राधे 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 बाबू रो रहा है बाबू क्यों कम दे हम स्टेशन पहुंच गए समो पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर रहा है पहुंच गए चलो दीदी के घर से तो बहुत ही पास है हम तो लेट हो जाएंगे बट आ गए ट्रेन भी लग गई है क्या जी मैं अपनी सीट की तरफ क्योंकि ट्रेन लग चुकी है तो सबसे पहले अपनी सीट ढूंढते हैं और बैठते हैं 14 में मेरा 58 है सीट मिजा मुझे पता नहीं क्या मेरा बैड लक बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो मुझे मिडिल बर्थ ही मिलती है मैं मिजा लोअर सोचती हूँ या तो फिर साइड अपर बोलती हूँ पर मुझे मिलती ही नहीं मिजा मिडिल ही मिलती है पर क्या कर सकते प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे देखते हैं अभी तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मालवा एक्सप्रेस आ रही है टाइमिंग है 6:10 की ये हम सफर एक्सप्रेस आ गई है B14 और वो है 3:30 बजे भोर से ही जगा रही है खा इतने जल्दी आ गई तो बैग मैं लेते चलूं सारी रास्ते चिल्लाओगे कि बैग तो मैं ही ले आई तुम्हारे आने से क्या फायदा हुआ शादी बाद एक फ्री में हेल्पर मिल ही जाता है पहली बार से क्या मतलब है आया तो हूँ ना इंसान जो करता है लोग उसका एहसान ही नहीं मानते हैं 3:30 बजे भोर से अपनी नींद बर्बाद किया हूँ अरे जा ना आता जितने दिन रहती उतने दिन वहाँ खोपड़ा खाती आज सुबह सुबह हमारा पूरा नींद बर्बाद करी है बढ़िया है तुम जितना आया नहीं उतना 50 बार तो तुम यही बोल चुके सही आदमी नहीं हो तुम बोल की एहसास तो करवाएंगे कि हमने मेहनत किया है हम इधर सुन रहे हैं इस कान से निकाल दे रहे हैं तुम मेरा मैचिंग क्यों किए हैं क्यों मेरा नकल क्यों इसे कोइंसिडेंस कहोगे कि इसे अपनी प्लानिंग कहोगे हमको क्या पता हम तो कहे नहीं भाई तुम ब्लैक पहन के आओ तो अपनी मर्जी से नींद में जो पहने हो निकला था पड़े तो ओला के इंतजार में कैसा लग रहा है बोल तो ऐसे रहे जैसे ओला हमारी चचा कंपनी है क्या वो फोन करेंगे 50 गाड़ी खड़ी हो जाए भैया आ रहा है उस पर लोकेशन 2 मिनट टाइम दिखाया है भैया हम तो हैं यूपी से यूपी में और यूपी में भी उस जगह से है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री निकले हैं क्या बात प्रयागराज से क्या बात है जी ये कहने की बात करी ना आपने जहाँ से भारत की राजनीति शुरू होती है और खत्म होती है बच्ची का इंतजार करने की भागे नहीं भैया ट्रैफिक रूल का फॉलो करो मैं तो कहता हूँ लोग क्या करते हैं अरे लोग नहीं करते हैं जिंदगी से जा रहे हैं उनकी जिंदगी की टाइमिंग कम है आप तो अपनी बढ़ा लीजिए ड्राइवर साहब आप कहाँ के हैं मैं बिहार से हूँ बिहार में कहाँ से दरभंगा अच्छा अपने दरभंगा से हैं जी
अरे तब तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं जी, राज अलग है। अरे वही है यूपी बिहार मतलब वही चचेरे भाई वाला हाल हो गया। अभी राजनीति तो बहुत बड़ा छिड़ा हुआ है हमारे यहाँ तो, और पूरी राजनीति में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं आप। बहुत ज्यादा और जाने वाला भी हूँ 2025 सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप बातें करें जितनी अच्छी, विधायक ही कहा नहीं लड़ते नहीं, इतना क्या बोला तूने? हमारे पास का बातें नहीं है, इतना तो पढ़ाई लिखाई पता नहीं मुखिया। अरे आज के टाइम में जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कह वाला राष्ट्रपति कहा नहीं बन सकता भैया। तो आपने बहुत आशीर्वाद हमें दे दीजिए, आशीर्वाद आप हमें दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ आशीर्वाद में जो तुम्हें पैसे मिले हैं उसका करोगे क्या? ड्राइवर साहब ऐसा माना गया है कि इनके पैसे और आशीर्वाद को हमेशा रखना चाहिए, खर्चना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बहुत कम ही चांसेस होता है कि ये अपने से आपको आशीर्वाद में पैसे देंगे। अपने से या तो बहुत अच्छा, आप आशीर्वाद में 1 रुपया दे दो तो जल्दी 1 रुपया दे दिए उन्होंने, अपने मन से मुझे पैसे दिए। कुछ नहीं, बस एक छोटा मोटा हमारा बिजनेस है ना छोटा मोटा जी। बड़े जगह का नौकर बनने से अच्छा है छोटे जगह का मालिक बनकर। बस ये सटीक जवाब है, ये सटीक जवाब है। वाह वाह। कम से कम ये नहीं रहेगा ना कि सुबह शाम आपका बॉस आपको चिल्लाएगा भाई इतना काम कहाँ नहीं किया। राधे राधे, फाइनली मैं फ्लाइट पे पहुंच गई हूँ। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई ट्रेन में, एक्चुअली क्या हुआ कि कल का दिन हमारा ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, ऑफिस भी जाना था। जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.